लेकिन इस दौरान वह अपनी कार से जैसे ही बाहर आता है, वह बादलों से गिर रही एसिड बारिश में पूरी तरह से जल जाता है और इस तरह से वह मारा जाता है। इसके बाद हम सैम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए उसी पुलिस स्टेशन पहुंचा है जहां पर डेस उसकी कंप्लेंट लिखता है। इस दौरान हम उसी लेडी चैन को देखते हैं जो बहुत देर से वहीं पर बैठकर वेट कर रही थी और वो एक बार फिर से डेस के पास आकर उसे डांटने लगती है कि अभी तक उसका काम क्यों नहीं हुआ। किसी तरह डेस उसे समझा बुझा कर वापस बिठा देता है। दूसरी तरफ हमें नीना को दिखाया जाता है जो जिम्मी के पास आकर उसे बताती है कि डेस उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जिम्मी ही है जो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता और अपनी मॉम के पास रहता है, जबकि डेस एक बहुत अच्छा पिता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीना ही वो केसियर है जो उस घमंडी लेडी की टिकट को कन्वर्ट करेगी। दरअसल नीना लंच के लिए गई हुई थी और अब वो वापस से काउंटर में पहुंच चुकी है। अब वो लेडी अपना काम करवाने लगती है। इसके बाद हमें डेस और जिम्मी को दिखाया जाता है जो अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिम्मी बिल्कुल भी डेस को पसंद नहीं करता, लेकिन डेस अपने बेटे जिम्मी को बहुत ज्यादा लाइक करता है। वो उसे बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस बात से जिम्मी को भी खुशी होती है। तभी वहाँ पर मेले आ जाता है और डेस जिम्मी और मेले को पुलिस स्टेशन के एक रूम का दरवाजा ठीक करने के लिए वहाँ से भेज देता है। इसके बाद हमें नीना को दिखाया जाता है जो उस लेडी का काम करने में टाइम लगा रही थी। इस बात से नाराज होकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो उस स्टेशन से बाहर निकलती है तभी बाहर हो रही एसिड रैन की चपेट में वो भी आ जाती है, जिस कारण उसका पूरा शरीर जलने लगता है। किसी तरह अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे अंदर लेकर आते हैं जहां पर डॉक्टर इरा उन्हें बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस लेडी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जल चुकी थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन ट्रोवर और स्टीवेंसन ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि बाहर हो रही एसिड रैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह बात उन्होंने न्यूज में पहले ही देख ली थी और यही कारण था कि लोगों को बाहर निकलने के लिए स्टीवेंसन और ट्रोवर मना कर रहे थे। इधर हमें नीना को दिखाया जाता है जो मेन डोर खोलती है ताकि वह बाहर का नजारा देख सके, लेकिन तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जो उस गाड़ी से निकलकर एसिड रैन में पूरी तरह से जल गया था। वो देखने में एक जॉम्बी की तरह दिखने लगा था जो नीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह नीना मैन गेट को बंद कर देती है और डर के कारण डेस्क को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इस कारण वो खुद ही जाकर डेस्क के पास ही खबर देने के बारे में सोचती है। इस दौरान हम जोई को देखते हैं जो पास ही में रखे टूल में से किसी तरह का एक टूल निकाल लेता है ताकि वो सेल को खोल सके। इधर मेले को भी उस टूल के बारे में याद आता है कि उसने उस टूल बॉक्स को कहां पर रखा था। दरअसल वो लोग एक रूम के अंदर दरवाजे की रिपेयरिंग करने आए हुए थे और उन्हें टूल की जरूरत थी, तो वो उसे लेने के लिए उसी जगह पर जाने लगता है जहां पर उसने टूल रखे हुए थे। इससे पहले कि वो उस मोसरी रूम में जाता है वहां पर डॉक्टर ईरा उसी लेडी को एग्जामिन कर रही होती है, लेकिन वो देखते हैं कि मिसी चैन अब मर चुकी है। इस कारण वो उसके ऊपर ढका हुआ पॉलीथिन अलग करते हैं जिस पर लगे हुए कुछ बारिश की छींट जाकर सीधा मेले फेस पर गिरते हैं, जिससे उसका फेस बुरी तरह से जलने लगता है और वो बुरी तरह से डर जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है।